नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 25 जून 2022 शनिवार का दिन है और आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष आज द्वादशी तिथि और नक्षत्र है आज भरणी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:49 से लेकर 12:41 तक रहेगा। आज का सूर्योदय सुबह 5:22 पे और चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है। आज शाम 6:44 तक मेष राशि में रहेंगे, इसके बाद वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके 12वें भाव पे गोचर कर जाएंगे। और आज का जो अशुभ समय होगा वह तकरीबन शाम 3:45 से लेकर शाम 4:59 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएँ आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जातकों, आज बड़ी अच्छी खबर मिलेगी। आज गजकेसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, कई सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों, आज नौकरी में आज आपको प्रमोशन को लेकर बहुत अच्छी खबर मिलेगी, साथ ही सैलरी में वृद्धि को लेकर बड़ी अच्छी खबर मिलेगी। आज आपकी व्यापारिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी। व्यापार में जो कमियां आ रही थी या फिर जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी, साथ ही साथ मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, आपसी तनाव खत्म होंगे। अगर पार्टनर में कोई कारोबार चला रहे तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों, आज भागदौड़ तो बनी रहेगी, लेकिन ये भागदौड़ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। और मिथुन राशि के जातकों, आज आपको प्रमोशन और सैलरी में वृद्धि, बड़े अधिकारियों से संबंध काफ़ी मधुर दिखाई देंगे। आज आपको अनसुलझे कार्यों को भी सुलझाने का मौका मिलेगा, बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं। अगर नौकरी के लिए प्रयासरत थे, अभी तक प्रयास कर रहे थे और उसमें कुछ न कुछ कमियां निकल रही थी, आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो आज के दिन बड़ी अच्छी खबर है कि आज आपकी नौकरी लगने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। मिथुन राशि को आज आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी और आज आपको बड़े अधिकारियों से संबंध भी बेहतर बनाना होगा, संपर्क में रहना होगा, तभी इसका आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। विवादों से दूरी बनाए रखना होगा। आज कोई भी निर्णय लें, कोई भी डिसीजन लें, महत्वपूर्ण फैसला लेते समय बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लें, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको सरकारी क्षेत्रों से भी अगर कोई कामकाज रुका हुआ था, चाहे वो पैसा हो या फिर अगर आप ठेकेदारी का काम करते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट नौकरी से संबंधित कामकाज है, तो उसमें आज आपको बड़ी अच्छी खबर मिलेगी। मिथुन राशि को आज आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर दिखाई देगा। आज आपके उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा भी कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं, स्टाफ के लोगों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता रहेगी आज के दिन। आज आपको कारोबार को भी बढ़ाने का मौका मिलेगा, कारोबार में बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, आज के दिन वो दूर होंगी, खत्म होंगी और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए लोगों से मुलाकातें कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। आज मिथुन राशि के जातकों, आज चूँकि 25 जून और शनिवार का दिन है, तो अगर आप शनि ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार की पीड़ाओं से परेशान हैं, तो आज आप काले तिल और काली उड़द को अपने सर से 3 बार उल्टे वार के पीपल वृक्ष के जड़ में जाकर डाल दें, तो आपकी परेशानी जरूर खत्म हो जाएगी और शनिदेव की कृपा बरसेगी। शनिदेव की पूजा पाठ करके ही दिन की शुरुआत करें तो विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको जरूर ये कार्य करना चाहिए और शनिदेव का आशीर्वाद लेकर ही आज दिन की शुरुआत करना चाहिए मिथुन राशि के जातकों। दोस्तों, बता दें कि आज आप नए कार्यों के बारे में भी सोच सकते हैं, नए कार्यों की शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे तो आज आपको मुनाफा प्राप्त होगा। आज आपको किसी दीन दुखियों की मदद करने का भी आज आप मन बना सकते हैं। आज आपके अंदर सामाजिक सेवा भाव आएगा, सामाजिक सेवा भाव होने से लोगों को आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और आज अगर आप पार्टनर में काम कर रहे हैं तो मिथुन राशि के जातकों, पार्टनर में भी आज आपको बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, धन को लेकर आपसी मतभेद खत्म होंगे, आपसी तालमेल काफ़ी मजबूत रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन काफ़ी विशेष रहेगा, उत्तम लाभ के योग बनेंगे, कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं, महत्वपूर्ण आपको यानी कि कामयाबी प्राप्त होगी, आपके किस्मत आपके साथ देगी, साथ ही साथ नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, नए कार्यों में वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कार्य अभी तक अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं, तो महत्वपूर्ण लाभ तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ धन संपत्ति में इजाफा होगा, कारोबार में आपको प्रगति देखने को मिलेगी, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में जो अवैध जातक हैं, जिनके पहले से विवाह तय हैं, तो
वो वैवाहिक जीवन में बनते नजर आएंगे, शुभ मंगलकार होंगे, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, या फिर जिनके विवाह अभी तक तय नहीं हुए हैं उनके लिए नए रिश्ते की चर्चाएं हो सकती हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रह सकता है। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों, आज आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता भी आज आपके कार्य में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों, आज भागदौड़ बनी रहेगी और आज मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्र आज आपके कामकाज में आज हेल्प कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आज शाम 6:44 तक चंद्रमा आपके लाभ भाव पे रहेंगे, इसके बाद आपके 12वें भाव पे जाएंगे, तो शाम 6 बजे के बाद आप विदेश की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, काफ़ी समय से आप प्लानिंग बना रहे थे लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, तो आज आपको मिथुन राशि के जातकों विदेश जाने का सपना पूरा होता नजर आएगा, कई इच्छाएँ पूरी होंगी, आज आपके मन की दुविधाएं दूर होंगी, अनेकों प्रकार के धन लाभ होंगे, आपके कार्यों में वृद्धि देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। तो निश्चित तौर पर आज के दिन काफ़ी विशेष रहने वाला है, आज आपको लाभ के योग बनेंगे, साथ ही साथ जीवनसाथी से संतान को लेकर बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, जीवनसाथी कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, जीवनसाथी से आपसी मतभेद खत्म होंगे, जीवनसाथी आज आपके कार्य में हेल्प करेंगे और जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, आपसी मतभेद, आपसी जो कलह थे वो खत्म होंगे, तनाव की स्थिति खत्म होगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको विजय प्राप्ति होती नजर आएगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा, तो कार्यों में वृद्धि होगी, लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आपके प्रयास भी आपको सफलता दिलाएंगे, कार्यों में वृद्धि होगी, महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आपको विशेष लाभ होगा, जो कार्य अभी तक अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का भी प्रयास करेंगे, तो आज के दिन काफ़ी विशेष रहने वाला है, सफलता कदम चूम रही है, आज प्रेम जीवन में भी खुशियां बरसेंगे, मिथुन राशि के जातकों आज लव लाइफ अच्छी रहेगी, लव पार्टनर को कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, प्रेम जीवन में खुशियां बरसेंगी और आज मिथुन राशि के जातकों आपके अंदर सकारात्मक सोच बढ़ेगा, आज आप जो पहले परेशानियों से परेशान थे, मानसिक चिंताओं से परेशान थे, या फिर जो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, अक्सर आप कार्यों में घिरे हुए थे या फिर टेंशन से परेशान थे, वो आज उससे मुक्ति मिलेगी, टेंशन से बाहर निकलेंगे, कुछ आज बड़ी कामयाबी मिल सकती है, बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, किसी मामले में चाहे करियर हो, बिजनेस व्यापार हो, कारोबार हो, संतान को लेकर हो, जरूर मिलेगी, स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आज लिखा पढ़ी के मामले में बहुत आगे रहेंगे और आज इंटरव्यू भी दे सकते हैं और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, लेकिन आज शाम के बाद स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, शाम 6 बजे के बाद खान पीन पर विशेष ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं पिएं, तैली चीज़ों से ध्यान रखें और गाड़ी वाहन का प्रयोग कम करें, शाम 6 बजे के बाद आपके घर में किसी व्यक्ति के हॉस्पिटल खर्च भी बढ़ सकते हैं या फिर दिक्कतें आ सकती हैं स्वास्थ्य में थोड़ी सी, या फिर खर्च बढ़ सकते हैं 6 बजे के बाद। तो मिथुन राशि के जातकों, आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर मैरून कलर और भाग सात निवार आपका तकरीबन यानी कि 80%। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।